नमस्कार मित्रों, आज हम पहुंच गए बहुत बड़े लैंडमार्क बनारस के, उसके अंदर जो रेयर एक इवेंट है और यह है सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो पहले जाना जाता था संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से। इसका मोदी जी ने कल जो है उद्घाटन किया तो, लेकिन इसमें जाना वाना थोड़ा मनाही है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पर पब्लिक का कोई क्लियर नहीं है कि पब्लिक की एंट्री कैसे होगी, क्या मेंबरशिप फीस होगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। पीछे देखिए बन के तैयार है पूरा, लेकिन अभी कोई इसके बारे में कोई जो है क्लैरिटी नहीं है। जैसा सभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसी तरह इसमें भी कोई अभी इसके उपयोग के बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। पैसा लग गया है लेकिन कब उसका उपयोग होगा कुछ मालूम नहीं, तो ये एक थोड़ी विडम्बना है। और एक और चीज़ जो कंटेंशियस हो गई है वो ये है कि इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम रख दिया गया है सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जबकि पहले इसका नाम था संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो इस पर भी बड़ा विरोध है कि संपूर्णानंद जी का नाम क्यों बदला गया, वो सबके पूज्य थे, नाम नहीं बदलना चाहिए था। चलिए अब देखते हैं, आपको चारों तरफ से दिखाते हैं स्टेडियम। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पीछे देखिए स्टेडियम दिख रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ जो व्हाट्सएप स्नैपचैट मेल मैसेंजर सबसे वीडियो शेयर करिएगा, और हर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का टैग उसको दबाइए और सुपर थैंक्स खरीदिएगा। इन्हीं के साथ चलते हैं बाहर से, आपको दिखाते हैं स्टेडियम का हाल। देखिए ये है स्टेडियम के अंदर का हाल। सभा के बाद जो है चीज़ें हटाई जा रही हैं। ये मेन बिल्डिंग है बाएं तरफ और इसके पीछे है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पीछे एक लाइट आपको दिख रही होगी, ट्रक के पीछे दिख रही है जो थोड़ी नीची है वहाँ पे। तो ये है इसका हाल और सिंथेटिक ट्रैक बन गया है चारों तरफ। हाँ, अभी आपको दिखाते हैं आगे चल के, देखते रहिएगा। देखिए जो वो लाइट है, वो इंडोर कॉम्प्लेक्स है उधर, इंडोर कॉम्प्लेक्स। सभा के बाद कुर्सियाँ वगैरह हटाई जा रही, ये सब हो रहा है काम। बहुत बड़ी सभा हुई है, इसकी लागत जो है स्टेडियम की है 287 करोड़, और इसका एरिया है लगभग 62,800 स्क्वायर मीटर। और इसमें दो ग्राउंड है, फुल फ्लेज ग्राउंड दो हैं। देखिए इधर देखिए ग्राउंड, ये देख लीजिए। एक ग्राउंड है फुटबॉल का जो हमारे पास की तरफ है, वो फुटबॉल का है, सिंथेटिक ट्रैक लाल दिख रहा है, उसका फुटबॉल का ग्राउंड है और उसके आगे क्रिकेट का ग्राउंड है। मतलब इससे इस स्टेडियम को विस्तारित किया गया, बड़ा किया गया है, और बड़ा करने के लिए जो पीछे साइड में सिंचाई कॉलोनी थी उसको तोड़ा गया, ज़मीन उसकी ली गई है, इस तरह से बना है। तो ये है इसका हाल। अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं धीरे धीरे बेटा, तेजी में। देखिए हम धीरे धीरे चल के आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है जर्मन हैंगर लगे हुए कल की सभा के बाद, और भाजपा के झंडे। स्मार्ट सिटी वाराणसी ने इसको बनवाया है और लागत जैसा हमने बताया 287 करोड़ रुपए, तीन फेज में पूरा हुआ है। तो इसमें ये जो है ये पेविलियन बिल्डिंग है और हॉस्टल भी है इसमें, और पीछे भी हॉस्टल है, पीछे की तरफ तो दो हॉस्टल हैं ये लड़के लड़कियों के, खिलाड़ियों के मतलब। और ये सीमेंट का पक्का जो है ये बना था स्टेज मोदी जी के लिए, इस पर चढ़ के उन्होंने दिया था भाषण। और देखिए ये बिल्डिंग जो है, ये पवेलियन कम हॉस्टल ये है, ये ऊपर तक आपको दिख रहा है, मॉडर्न बिल्डिंग, मॉडर्न स्ट्रक्चर। तमाम लोगों ने स्वागत के बोर्ड आइए रही है, वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसका नाम हो गया सिगरा। तो इस नाम के बदलने पर बड़ा विरोध हो रहा है, क्योंकि संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहले नाम था। ये कहा जा रहा है कि संपूर्णानंद जी का नाम क्यों उपेक्षित किया जा रहा है, इसको संपूर्णानंद जी का नाम रहना चाहिए, वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न करके जो संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम था वही नाम रहना चाहिए। ये देखिए बहुत विशाल बिल्डिंग है ये, अभी हम जा रहे हैं पूरा लास्ट तक, पीछे तक आपको दिखाएंगे। है तो अच्छी चीज़, बनारस के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन वही है चालू कब होगी। देखिए जैसे तमाम प्रोजेक्ट बने, कोई पुरसा हाल नहीं है, चालू नहीं हो पाते, बने बन के तैयार हो जाते हैं। मतलब एक तरह से जो सफ़ेद हाथी वाला हम लोग कहते हैं, काफ़ी दिन तक सफ़ेद हाथी रहता है, बाद में धीरे धीरे चालू होता है। तो इसको थोड़ा तेज़ी दिखानी पड़ेगी, संबंधित जो भी एजेंसीज़ हैं, इसको अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दिया जाएगा या
प्राइवेट हाथों में जैसे भी दिया जाए तो उसको जो है तेजी दिखानी पड़ेगी इसका उपयोग। ये देखिए अभी आ गया, ये देखिए ये जो है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें जानते हैं क्या है? इसमें भैया 10 बैडमिंटन कोर्ट, 4 स्क्वैश कोर्ट, 2 इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट और 20 टेबल टेनिस की टेबलें, और उसके बाद जिमनेजियम है, मैट्स हैं पहलवानी के लिए, निशानेबाजी का हॉल है, स्विमिंग पूल है ओलंपिक साइज का एक है, और वार्म अप पूल एक है। वार्म अप पूल को भी कहा जा रहा है कि उसकी गहराई 5 फीट है तो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, बच्चों की लंबाई होती है कम तो डूबने का एक खतरा बना रहेगा। यहाँ भी देखिए लिखा है वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बोर्ड लग गए सब, संपूर्णानंद जी का नाम हटाते हुए। ये देखिए ये इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये पीछे साइड में है स्टेडियम के पीछे साइड, और हम पीछे वाली रोड पर जा रहे हैं, पूरा दिखाएंगे आपको, थोड़ा ये गली देखिए बोर्ड के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, उसको जोड़ जाड़ रहे हैं अभी भी। रोड एकदम बन गई, देखिए रोड की तरफ भी कैमरा करते हैं, रोड बनाई गई है कल उद्घाटन के मद्देनज़र। ये देखिए ये जो है करीब करीब अंत आ गया स्टेडियम का, ये पीछे इंडोर कॉम्प्लेक्स में जाने वाला गेट है यहाँ से मेन गेट, और यहाँ से जो है लोग जाएंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं 10 बैडमिंटन कोर्ट, 4 स्क्वैश कोर्ट, 20 टीटी टेबल, 2 इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, उन सब का लाभ उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। हाथ हिला रहा है मधुना जी, यह है ये थोड़ा गुप्त रखा जा रहा है, चलिए खैर जितना बन गया उतना तो बन ही गया, सड़क से बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, सड़क की चीज़ तो दिखेगी लोग तो ये है। अब हम लोग करीब करीब इसकी बाउंड्री लास्ट तक आ गए हैं और यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। यहाँ भी देखिए गेट बना है, इस पर लिखा है वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुलिस ड्यूटी गेट नंबर 6, यहाँ पूरी ड्यूटी लगी थी पुलिस की, त्रिस्तरीय सुरक्षा थी, अभेद्य जिसको कहा जाए होनी भी चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष हैं तो सुरक्षा तगड़ी होनी चाहिए। दोस्तों सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ ही कल प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर शंकरा नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन किया, सारनाथ प्रो पुअर जो प्रोजेक्ट था उसका भी उद्घाटन किया, और मैदागिन में जो घुमटी वाले लोग जिनकी घुमटियाँ पक्की करके बना के दी गई हैं उसका भी उद्घाटन किया, तो कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ और भी कुछ हुए। साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी जो प्रोजेक्ट की इन्होंने ये रखी जो आधारशिला वो था प्रोजेक्ट आपका एयरपोर्ट रनवे विस्तार का, तो रनवे का विस्तार हो रहा है और नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, उसमें बड़े जहाज़ उतरेंगे, और इस रनवे की विशेषता ये होगी कि जो रनवे है वो ऊपर रहेगा और सड़क उसके अंदर से जाएगी, मतलब इस तरह के एयरपोर्ट हमने बहुत कम देखे हैं दुनिया में, तो ऐसा रहेगा और मॉडर्न डिज़ाइन का मतलब देखने में अजीब सा लगेगा, जहाज़ ऊपर से जा रहा है और नीचे जो है वो कारें जा रही है टनल में उसके अंदर, तो बावरपुर साइड में ये बनेगी इस तरह की रोड, बहुत ही विश्व स्तरीय वो रहेगा। तो बनारस का कायाकल्प तो हो रहा है, सीधे चलना तो कायाकल्प हो जाएगा, तो यहाँ के निवासियों को तो अच्छा सुविधा मिलेगा ही, तो अच्छी बात है, चलिए हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करेंगे समाप्त, आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे YouTube चैनल शेखर ट्रैवलर्स व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक नहीं किया था, सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे दबा दीजिएगा फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, जिससे वीडियो अपलोड होती आपको सूचना मिल जाए कि नया वीडियो आ गया। इसके बाद सभी वीडियो देखिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए, और आगे चले चलते, चलो उधर घूम के आ जाना, दाहिने घूम जाना, फिर इसी रोड पे आ जाना घूम के दाहिने, तो वहाँ नज़र भी डाल लेना एक। तो ये है कि फिर आपको नया वीडियो दिखाएंगे, थोड़ा सा मौसम परिवर्तन से तबीयत कुछ ख़राब सी चल रही है, लेकिन हम अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे, आपको नया वीडियो दिखाने फिर दिखाएंगे, तो फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, हर महादेव। हमारे हर वीडियो के लिए जो सुपर थैंक्स का टैब भी है उसे दबाइए और सुपर थैंक्स जरूर कर दीजिए, क्योंकि सुपर थैंक्स हमारे चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट करता है, तो सुपर थैंक्स कर दीजिए और चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव।